सांगा ने स्टडी सर्किल के कोठाई नदी स्वच्छता अभियान से अब शहर के जागरूक नागरिक भी चुनने लगे हैं। नगर परिषद के पूर्व कर्मचारी महेश शर्मा, प्रदीप मेहता, लद्दू सिंह शक्तावत, कुलदीप शर्मा व अन्य ने बुधवार को नदी पर पहुंच सफाई कार्य से जुड़े युवाओं का अभिनंदन किया। चित्रकार केची कदम ने भी युवाओं की हौसला अफजाई की व सहयोग की बात कही। एबीवीपी एसएफडी जिला संयोजक रौनक हिंगर, टीना जांगिड़, दिव्यांश शर्मा, अंशुल जैन, अनुराग पारिक, सिद्धार्थ शर्मा आदि ने नदी में श्रमदान किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल से कोठारी नदी के मामले में सख्त कदम उठाने की हिदायत दी। कहा कि कानून की दृष्टि से कार्यवाही करे व 3 माह में रिपोर्ट पेश करे। सुनवाई में शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि कोठारी नदी से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। इस पर न्यायाधीश ने प्रदूषण मंडल को मामले को देखने तथा कार्यवाही करने को कहा। अब सुनवाई 11 सितंबर को होगी। दरअसल कोठारी नदी में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर एनजीटी ने 22 अक्टूबर 2018 को प्रदूषण नियंत्रण मंडल पर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी। कलेक्टर ने 16 फरवरी को भेजी रिपोर्ट में कहा कि नदी में बायो व डोमेस्टिक वेस्ट आ रहा है, शहर का कचरा भी डाला जा रहा है। इस आधार पर एनजीटी ने परिषद व निजी चिकित्सालय पर जुर्माना व गारंटी लेने के आदेश देते हुए दोनों के खिलाफ याचिका दायर करने के आदेश दिए थे। उल्लेखनीय है कि सांगानेर स्टडी सर्किल ने कोठारी स्वच्छता अभियान का बीड़ा उठाया है। इसके संयोजक प्रोफेसर आदित्य देव वैष्णव ने बताया कि सांगानेर के युवाओं में सकारात्मक नजरिया पैदा करने की मंशा से संगठन बनाया था। इसमें अन्य क्षेत्र के युवा के अलावा सीजीएसटी सहायक आयुक्त अनिरुद्ध वैष्णव, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश पारिक, संस्कृति कर्मी माणिक, प्रशासनिक अधिकारी ज्योति ककवानी, डॉक्टर सोनू कोठारी, विजय मीर चंदानी आदि शामिल है। हमारे भीलवाड़ा की एकमात्र हमारी गौरवदायिनी नदी कोठारी नदी, जो हमारे भीलवाड़ा की मतलब गौरव को व्यक्त करती है, इस पर नगर परिषद द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसकी सफाई के प्रति लापरवाही की जा रही है। जब हम यहाँ निकलते तो हमें गंदगी लगती है, तो हम सब युवाओं ने ये तय किया है कि अगर कोई इसकी सफाई नहीं करेगा तो हम युवा इसकी सफाई करेंगे। और मैं आप सभी भीलवाड़ा वासियों से अपील करती हूँ कि आप सब भी आकर यहाँ पे सफाई में हमारा सहयोग दें। कोठारी नदी में किस तरह सफाई का अभियान चल रहा है, जैसे कि सरकार बराबर नगर परिषद बार बार नकार रही है, इनकी इतनी बार जाने के बाद भी उन्होंने नकार दिया इस कोठारी नदी की सफाई के अभियान को लेकर। तो हम सब युवाओं ने जिम्मा लिया है कि हम ना सरकार ना प्रशासन की चिंता करते हो, हमारे युवाओं को नदी हमारी माँ के सम्मान होती है, हमारी माँ का सौंदर्यकरण करना हमारा जिम्मा है, हम बच्चों का। तो हमने सब युवाओं ने हमने प्रण लिया कि हम इस कोठारी नदी को जो पहले इसको सौंदर्यकरण के अंदर हमारा लाने का जिम्मा हमने उठाया है।